अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है यू नो अबाउट द ब्रांड सिट्रॉन एंड द C3 मॉडल। ये है नई वाली एयरक्रॉस SUV। सिट्रॉन फाइनली अपनी गाड़ी को एक SUV का टैग दे रही है इंडिया में। जो C3 थी उसको सिट्रॉन एज अ हैचबैक प्रमोट करती है। ये भी C3 पे बेस्ड है बट दिस इज अ प्रॉपर SUV इन सिट्रॉन टर्म्स। सो आज का मेन सवाल, क्या ये गाड़ी SUV टैग को जस्टिफाई करती है? वेल, बहुत टाइम बाद हम एक 4x2 गाड़ी को ऑफ रोडिंग ट्रैक पे लेके जाने वाले हैं। इसके साथ साथ थर्ड रो है, इज दैट प्रैक्टिकल इनफ? एंड सेगमेंट का सबसे छोटा इंजन 1200cc का टर्बो चार्ज इंजन, इज दैट पावरफुल इनफ फॉर द एंटायर पैकेज? वेल, ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस डिटेल्ड रिव्यू। Now the C3 Aircross is largely based on the regular C3, but it is longer, wider and taller. Up front, the grille and the bumper are new and lend the C3 Aircross a rather sporty and large SUV appeal. The sharp BRLs and the slim grille do look nice. The side profile is where you notice the flared wheel arcs and rather good looking alloy wheels for what is a value based budget SUV. The C3 Aircross is as long as say the Creta, but taller than the Korean offering. The rear is distinctive too, with tail lights pushed to the ends and horizontal dark panel running across the width. Overall, I must admit the C3 Aircross is a good looking SUV and does have ample amount of road presence. Next on the interiors of the C3 Aircross, design wahi hai jo aapko milta hai in the C3 hatchback. बट सिट्रॉन ने यहाँ पे खेला है विद दी काइंड ऑफ कलर्स। फॉर एग्जांपल, लोअर पार्ट लाइट है, अपर पार्ट डार्क है एंड दी सेंट्रल फेस या ये वाला जो टेक्सचर है इसका भी एक डिफरेंट गोल्डन अपील आपको आता है इन द एयरक्रॉस। फीचर्स थोड़े बहुत बढ़ाए हैं एज कम्पेयर टू द C3 हैचबैक। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले है इट्स कम्प्लीटली डिजी। इट हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स यू कैन पिक फ्रॉम। द इंफोटेनमेंट स्क्रीन कम्स इन ओवर हियर विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस कारप्ले, दैट इज अ प्लस पॉइंट। साथ ही में जो ऑडियो क्वालिटी है डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव फॉर the possible price coming up। और इसी के साथ साथ जो आपका armrest है वो यहाँ पे आता है। there is no storage space over here। पीछे AC vents भी नहीं है in the 5-seater version, बाद में बात करूँगा। but उसके अलावा visibility point of view से मेरी seat at the lower setting है। I can see the bulges very clearly on the bonnet, so visibility is sorted, headroom is sorted, spacious feel भी है। but सिर्फ features नहीं है, उसके अलावा everything you want from the SUV। Now this is impressive for a tall driver up front and equally tall person at the rear। मेरे पास 3-4 inch का knee room है, मेरे पास ample amount of headroom है and as you can make out जो seats है they are part fabric and part right on the lower part। दोनों seats के पीछे आपको mat pockets मिलती हैं। यहाँ पे एक आता है cup holder for the rear passengers। डोर के अंदर भी छोटी बॉटल आ सकती है। आर्मरेस के अंदर 2 cup holders दिए गए हैं, साथ provision to keep your phone over here। 2 C-type outlets आ दे रही है। सो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिट्रॉन C3 Aircross डेफिनेटली स्कोर्स हाई मार्क्स। जो फ्लोर है दैट्स नॉट कम्प्लीटली फ्लैट, तो थर्ड पर्सन की लेग स्पेस में थोड़ा बहुत इशू होने वाला है, बट उसके अलावा एक स्पेशियस फील गाड़ी के अंदर डेफिनेटली आती है। एज अ 5-seater व्हीकल ये स्पेशियस गाड़ी बन सकती है विद अ मैसिव बूट एट द बैक। इसके साथ ही इफ़ यू हैव दी 3-row वर्जन 7-seater तो वहाँ पर शायद स्पेस थोड़ी कम है इन द सेकेंड रो। इज इट? वेल, दिखाते हैं आपको। Now in the 3-row version of the C3 Aircross कुछ changes हैं। For starters, ये वाली जो bench है slightly आगे, तो you can make out कि मेरी knee room यहाँ पे कम है। In the 5-seater version, I had far more knee room over here। Secondly, because ये last row के अंदर passengers बैठने वाले हैं तो यहाँ पे AC vents की सुविधा दी गई है। ये proper एक AC condenser नहीं है, यहाँ पे हवा suck होती ही है जो blower से बाहर निकलती है, but still अगर आगे ठंडा हो रहा है तो हवा सक करके कुछ ना कुछ फर्क पीछे पड़ने वाला है। सो ये प्राइमरली आपको दिए गए हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स एंड फॉर दिस काइंड ऑफ पैसेंजर्स। इन द 5-seater आपके पास सेंट्रल आर्मरेस्ट था, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। सो नो सेंट्रल आर्मरेस्ट इन द 7-seater। नी रूम थोड़ी कम है टू अकोमोडेट द रियर रो और AC वाले जो वेंट्स या हवा के जो वेंट्स वो यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सवाल, इज द 3rd रो प्रैक्टिकल एंड यूजफुल? वेल, एज अ 6-foot टॉल पर्सन मैं ट्राई करता हूँ टू गो टू द लास्ट रो। So as you can see, things in the last row are tight for a big, well-sized adult, but Citroën says के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से even someone who's 5'4", 5'5", वहाँ तक ठीक है, but as a proper adult sitting in the rear last row, ये difficult job है। Now what you can do is, अगर आपके पास 7-seater आती है, आपको boot चाहिए, आपको last row use नहीं करना, तो ये seats easily, Citroën कहते हैं कि 30 seconds के अंदर आप last row की seats को निकाल सकते हैं, thus liberating lots and lots of space for luggage।
एंड नाउ ऑन द इम्पोर्टेंट ड्राइविंग पार्ट ऑफ द सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस, ये मिड साइज SUV के अंदर आने वाली है, तो वहाँ पे आपके पास बड़े इंजन हैं, टर्बो की ऑप्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हैं, डीजल्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक नो नॉनसेंस 1200 cc का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो देता है 190 Nm का टॉर्क। ये टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेक योर ड्राइव्स एफर्टलेस। अगर आप अर्बन ट्रैफिक के अंदर चला रहे हैं एट लो स्पीड्स लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, आपको गियर शिफ्टिंग इतनी नहीं करनी है, दिस इज वेयर द इंजन शाइन्स। थर्ड गियर में फॉर एग्जाम्पल मैं 25 की स्पीड पे हूँ, 1000 RPM पे हूँ एंड वी आर गेनिंग स्पीड्स टू 35, 40, 45। दिस इज द ब्यूटी। इसमें टर्बो के अंदर कई बार लो RPM पे लैग होता है, इस गाड़ी में नहीं है। वंस वो चौथे गियर में जाता हूँ 38-40 की स्पीड है, आई कैन ईजली पिक अप स्पीड इन ट्रैफिक। सो ये चीज़ आपको खुश रखने वाली, दैट यू डोंट हैव टू डाउन शिफ्ट वेरी ऑफन, एंड अगर आप डाउन शिफ्ट करते हैं तो ये गाड़ी आपको रिवॉर्ड करती है विद गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए जिस प्राइस पे गाड़ी आएगी 9-10-11 लाख पे आएगी, उस प्राइस में आपको नॉन टर्बो इंजन मिलते हैं, चाहे मारुति का हो 1.5, चाहे ह्यूंडई का हो, चाहे किया का हो, उन 1.5 के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर है, टॉर्क डेफिनेटली बेटर है, इकोनॉमी भी अच्छी है, 18.5 की क्लीन इकोनॉमी कहते हैं। सो अर्बन यूज़ के लिए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, गियर शिफ्ट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे इस गाड़ी से कंप्लेंट नहीं है। यू कैन मेक आउट कि मैं स्मूथ सड़कों पर नहीं हूँ एंड 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, साथ ही में सिट्रॉन जाना जाता है अपनी राइड क्वालिटी के लिए और वो चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है। इट्स नॉट ओवरली वेरी कम्फर्टेबल वो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ी एक स्टिफनेस अपील आती है विच आई थिंक इज मेनली बिकॉज ऑफ द 17-inch alloy wheels, बट ओवरऑल कम्फर्ट लेवल इस गाड़ी का ज़रूर हाई है। इसके बाद एक काम करता हूँ, आई विल स्टार्ट हिटिंग ओपन रोड्स, वहाँ पे इसकी लॉन्ग राइड्स पे, ड्राइव्स पे स्टेबिलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, लेट्स सी दैट। एंड नाउ ऑन द ECR और द ईस्ट कोस्ट रोड जाती है चेन्नई से टूवर्ड्स पॉन्डीचेरी एंड महाबलीपुरम। 6-speed गेयरबॉक्स है, तो अगर छठे गियर में हूँ एट द स्पीड ऑफ 80 km/h, आपको 80 की बीप आई, 80 km/h, आई एम अप्रॉक्सीमेटली एट 1600 या 700 RPM। सो लंबी गियरिंग है, इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में आप इंजन को स्ट्रेन नहीं करने वाले, एंड ऐसे करते करते आपकी इकोनॉमी कुड बी वेरी गुड। इसका मैंने अलग से एक माइलेज ऑन किया है हाईवे स्पीड्स पे 80-85 पे विथ 4 people AC एंड द लगेज, वो देखना मत भूलना बिकॉज हमारी जो माइलेज आई है टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस हैज़ बीन शॉकिंग, सो वो वीडियो जरूर देखना इसके अलावा। सो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो हमने पाया है, मैंने सुबह से गाड़ी को चला रहा हूँ, इट इज़ सफिशेंटली स्टेबल इनफ। थोड़ी रोड एंड विंड नॉइज अंदर आती है, इंजन तो अच्छा काम कर रहा है उस पर NVH पे, बट थोड़ी इंजन रोड एंड विंड नॉइज ज़रूर अंदर आती है। सिविलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आगे एक पुलिस बैरिकेडिंग आ रही है, आई जस्ट स्लो डाउन एंड आई विल टेक दैट एंड बात करता हूँ इसकी मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। AVR, सो स्टेयरिंग अर्बन यूज के लिए ज़रूर लाइट है, मुझे लाइट स्टेयरिंग ज़रूर पसंद है, बट हाईवे स्पीड्स पे ये इतनी कॉन्फिडेंस नहीं देती एज दी जर्मन ऑफरिंग्स, बट जो मार्केट लीडर्स हैं क्रेटा बोलूँ या मैं ग्रैंड विटारा बोलूँ, उनके मुकाबले दिस इज नाइस। तो ऊंचे होने के बाद भी इस पर जब बॉडी रोल है इट इज़ वेल कंट्रोल्ड, लाइट स्टेयरिंग होने के बावजूद भी स्टेयरिंग फीडबैक हाईवे स्पीड्स पे मैं उससे खुश हूँ। तो दिस कार इज डेफिनेटली इम्प्रेसिंग मी अ लॉट। मैंने इनिशियली कहा था कि क्या यह SUV का अपील जस्टिफाई कर पाएगी, डिज़ाइन में करती है, ग्राउंड क्लियरेंस में करती है, राइड क्वालिटी में करती है, और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसकी ऑफ रोडिंग, तो 4x2 के अंदर ये कितनी ऑफ रोडिंग कर लेती है, वेल लेट्स गो देयर। बट बिफोर वी गो फॉर द ऑफ रोडिंग सेशन आई वांट टू शो यू हाउ लॉन्ग द लेग्स आर, ये गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है 0-100 वो कैसी है एंड ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्या RPM है, कितना पुल मारती है, वेल सी इट फॉर योरसेल्फ।
Citro is so confident with the C3 Aircross. It's a 4x2 SUV, but given the ground clearance, approach and departure angles and the torque from the motor, they think it can handle an SUV course. Can it? Let's find out. So the first few meters is about the comfort of the vehicle. Citro cars jaane jaati hain for the magic carpet ride, and that is what we are trying to understand. Rocks hain, boulders hain, small undulations hain, but going forward, I am fingers crossed, I want to experience some kind of the SUV track. Let's see. This is the side tilt curve, very famous to show off, and this is how it seems from the inside. And you can see Abhi on the outside capturing the same. No race inputs, only playing with the clutch. That is the torque magic from the turbo motor. Less turbo lag, but ample torque available. And now we come to articulation, where the wheels, they play around depending kitna suspension travel hai, something I personally love. Going right into something called as the devil's pit. Usually pseudo SUVs might just touch the underside, but this one comes out again, no race, just playing with the clutch, and now coming out to the race. So most of the cars will be owned for family usage and going to office and back and weekends, but if the road is not there, that's what Citroen wants to show with the C3 Aircross. This is the ramp over angle. If I stop the car, दोनों साइड पे इसमें एंगल हो रखा है, एंड द कार विल स्टिल नॉट टच बिकॉज ऑफ द एम्पल काइंड ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस. 200 मिलीमीटर इज व्हाट दे से. वन मोर टिल्ट, दिस इज द स्ट्रेट टिल्ट. पहले हमने कर्व किया था, अभी हम स्ट्रेट जाएंगे. जस्ट प्लेइंग विद द क्लच, आई थिंक द रियर लिफ्टेड. यस, अगेन लिफ्टेड. या कमिंग टू द ramp for the hill hold, I'll go midway. Yeah. I'll stop the car and I'm on the brakes. Shall I lift off? Yeah, just the brakes. No brakes, it's holding. I can give it some brakes and brake again. Put it in neutral. Oh, so even neutral, if I leave the brakes, it will hold. Both in gear as well as neutral will hold. I'll just go back for safety reasons and then we'll climb up. And now again articulation wala, pehle deep into the mother earth, so negative. Now it's upar mold bana rakhe hai, so it's positive articulation. You will see the wheels moving around. And finally, the most enjoyable part is the water wading. Mujhe kaha gaya this is 1 feet, which is 300 millimeter, which is more than ample to get out of situation. Agar aas pas flooding hai, to 300 millimeter in a 4x2 SUV, dekhte hain. And that brings us to the end of the video. Now, before I give you a summary, guys, is gaadi ka jo 7-seater version hai, uska ek proper mileage run kiya tha highway ke upar, and the efficiency was impressive. That video is live on the channel, usko dekhna na bhulna. Now, first thing first, agar aap apni nayi gaadi ke andar, SUV ke andar features dhoond rahe hain, this car is not meant for you. Even the basic features like cruise control or rear AC vents in the second row wala model ya push button start, ये मिसिंग है. बट इसके अलावा इट इज़ अ सॉर्टेड कार. आई लाइक द वे इट लुक्स इन फ्लैश. गाड़ी अच्छी दिखती है. इंजन छोटा होने के बावजूद इट इज़ पावरफुल इनफ. इट्स गॉट लॉट ऑफ पोक एंड गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क. गाड़ी इजी टू ड्राइव एंड मैनेज है, एंड पूरा अंदर इंटीरियर आपको एक सॉलिड फील आती है. वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सितंबर में बुकिंग खुल जाएंगी, अक्टूबर के अंदर डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, एंड आई थिंक जो उसका एंट्री लेवल मॉडल है, दैट कुड बी अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज एक्सरूम डेली, विच मीन्स की कॉम्पिटिशन के सामने ये गाड़ी 1 से 2 लाख रुपए सस्ती होने वाली है, बेस टू बेस, इंक्लूडिंग दी 190 nm वाला टर्बो चार्ज इंजन. सो इट इज अ कंप्लीट पैकेज, बट इट्स ओनली दैट कि द कार माइट नॉट पैम्पर यू और इम्प्रेस योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द मिसिंग फीचर्स जो आजकल इंडियंस चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर.